आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पहुंचे अयोध्या। देश बचाओ संविधान बचाओ यात्रा का किया शुरुआत। भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ, पार्टी कार्यालय से गुलाबबाड़ी तक निकाली पदयात्रा। पार्टी के नेताओं में दिखा जोरदार उत्साह। कांग्रेस ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। लोकसभा में 3 महीने का कार्यक्रम होगा लॉन्च। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर होगा कार्यक्रम। एमबीबीएस छात्र की बिल्डिंग से गिरकर हुई मौत। एरा मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था छात्र, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेजा। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बैंक में चोरी का प्रयास करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया। चोरों के पास से अवैध हथियार बरामद। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। वो बांदा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कानपुर जा रही महिला को रास्ते में हुई प्रसव पीड़ा। बस में महिला की कराई गई डिलीवरी। यात्रियों ने मिलकर कराई महिला की डिलीवरी। डिलीवरी के बाद महिला को कराया अस्पताल में भर्ती। ये बड़ी खबर आपको बांदा से बता रहे हैं। बांदा से कानपुर जा रही थी महिला, महिला को रास्ते में हुआ प्रसव का दर्द। बस में महिला की कराई गई डिलीवरी। यात्रियों ने मिलकर कराई महिला की डिलीवरी। ये बड़ी खबर आपको बांदा से बता रहे हैं। डिलीवरी के बाद महिला को कराया गया अस्पताल में भर्ती। बांदा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर जा रही महिला को रास्ते में हुई प्रसव पीड़ा। बस में महिला की कराई गई डिलीवरी। यात्रियों ने मिलकर महिला की कराई डिलीवरी। डिलीवरी के बाद महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डॉक्टर की पत्नी को गोली मारने का मामला सामने आया है। पत्नी को गोली मारने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने महिला के घर में घुसकर की थी लूट। घायल महिला का लखनऊ में चल रहा इलाज। एसओजी सर्विलांस स्क्वाड टीम जुटी जांच में। एसपी ने खुलासा करने वाली टीम को दिए 10,000 का इनाम। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। हरदोई से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर की पत्नी को गोली मारने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने महिला के घर में घुसकर की लूट की घटना। घायल महिला का लखनऊ में चल रहा इलाज। एसओजी सर्विलांस स्क्वाड टीम जुटी जांच में। एसपी ने खुलासा करने वाली टीम को 10,000 का इनाम भी दिया। बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को। ये विगत 5/9/2023 की रात्रि में कस्बा बांसपुर के ग्राम ककरा में एक महिला की गोली मार के 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मार के फरार हुए थे। इसके संबंध में घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा 2 टीमों का और साथ में स्वाट सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था। तमाम पहलुओं की जांच वैज्ञानिक पद्धति से की गई थी तथा रसी सुराग रसी और मुखबिर के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि 2 अभियुक्तों ने घटना कार्य की है। इनको चिन्हित किया गया और जरिए मुखबिर सूचना पे लंकर नदी के पुराने पुल के पास पुराने पुल के रेलिंग पे ही इन दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। इनके कब्जे से 1 अदद मोबाइल फ़ोन, 1 पर्स जिसमें नोटिस सर्टिफिकेट था और कुछ कपड़े थे जिसमें लोअर और टी शर्ट था जो घटना के समय पहने हुए थे। 2 315 बोर के तमंचे बरामद। तो डॉक्टर की पत्नी को गोली मारने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी सफलता हरदोई पुलिस को मिली है, जो घायल महिला का लखनऊ में इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां महिला को गोली मारकर घर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ससुराल आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। शव मिलने से इलाके में मची सनसनी। परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए सीतापुर के कोतवाली लहरपुर इलाके का मामला। तो सीतापुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ससुराल आए युवक की संदिग्ध परिस्थिति। शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लहरपुर से ये मामला सामने आया है। सीतापुर के पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
अब खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। सिद्धार्थनगर से देश बचाओ संविधान बचाओ यात्रा शुरू करने से पहले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आज अयोध्या पहुंचे। शहर के हाईवे स्थित पंचशील होटल पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद रावत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ही भाजपा का विजय रथ रोकेंगे। उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी देश बचाओ संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लेकर जनता को जागरूक भी करेंगे। हमें संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू कर दी है, तो पहली जो संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा जो जिलों वाइज शुरू होगी उत्तर प्रदेश में, वो सिद्धार्थनगर में आज उसका पहला चरण जो है ना जो यात्रा का सिद्धार्थनगर शुरू और लगभग 70 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। इसमें काफी जो कस्बे पड़ेंगे उधर वहाँ पैदल मार्च होगा। जागरूकता अभियान के तौर पे जनता को जागरूक किया जाएगा। जो आज हालात जो है केंद्र की और स्टेट की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बना दिए, जनता इस हालातों को समझे और इनसे बाहर निकलने के लिए आने वाले समय में अपनी वोट का सही प्रयोग करे। उसके बाद मध्य प्रदेश राजस्थान में भी हमारी यात्रा संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू हो रही है अलग अलग डेटों में। तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि मुझे मेरी जिम्मेदारी यात्रा शुरू कराई जाए क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है और केंद्र का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटों पर विजयी है। तो बीजेपी का विजय रथ जो है हम लोग उत्तर प्रदेश में रोकेंगे, उसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली। मैं फिर ये कहूँगा कि धर्म आदमी का व्यक्तिगत मसला है, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं, लेकिन राजनीति में जब भी धर्म जुड़ जाएगा तो आपके पास। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ रिकाबगंज स्थित पार्टी कार्यालय से गुलाबबाड़ी तक पदयात्रा निकाली। इस अवसर पर हाथ में पार्टी का झंडा लेकर नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा लगाया और इस यात्रा में पार्टी की महिला नेता भी शामिल रहीं। बता दें कि पूरी यात्रा के दौरान पार्टी के नेताओं में जोरदार उत्साह देखने को मिला। वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष घबराए हुए हैं। हम उनकी बेचैनी की परवाह न कर इस यात्रा का दूसरा पार्ट आरंभ करने जा रहे हैं और ये दूसरी यात्रा देश के बचे हुए हिस्सों में नफरत को समाप्त करेगी। आज की यात्रा हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राज जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। उसी सिलसिले में फैजाबाद में कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन से गुलाबबाड़ी तक कांग्रेस जन इस देश के धार्मिक सद्भाव और नफरत की आंधी को कम करने के लिए और धार्मिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने आज ही के दिन पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा का प्रारंभ किया था और जब से भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की है तभी से केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार बौखला गई है और उसकी बौखलाहट का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज वो इंडिया और भारत में विभेद करने पर उतर आए हैं। जब बदायूं के एक होटल में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किशोरी शहर के माया होटल में अपनी जल शक्ति मिशन टीम के साथ रुकी थी। वहीं होटल स्टाफ पर नाबालिग को बाथरूम में खींचकर कमरे में ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोप लगे हैं और साथ ही होटल संचालक पर सेक्स रैकेट चलाने के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बता दें, इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। सर, देखिए, समस्या यहाँ पर ये है कि जैसे कि आपको मैंने बताया, इन्होंने बताया कि यहाँ सेक्स रैकेट का वर्क चलता है, ठीक है सर। यहाँ पर एज अ ब्रोकर, ठीक है सर, मैनेजर यहाँ का एज अ ब्रोकर है, ठीक है, वो कॉल गर्ल्स को यहाँ बुलाता है, सर्विस देता है सर, ठीक है। और ये बात हमारे रात रात को पता है, ये चीज़ें हमें रात में सारी चीज़ें क्लेरिफाई हुई, ठीक है सर। उसके बाद क्या हुआ, जब हम अपनी लड़की को ढूंढ रहे थे, जैसा इन्होंने बताया कि हम लोग अपनी लड़की को ढूंढ, मैं अपने रूम में था, ठीक है, मैं करीबन हम लोग अपना वर्क कर रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे, पीडीएफ वगैरह सब हम अपना रेडी कर रहे थे। उसके बाद हम लोग सब अपने रूम में गए तो ये देखे कि क्योंकि लड़कियां एक ही रूम में सोएंगी, ऑब्वियसली आम बात है, लड़के अपना अलग रूम में सोएंगे, लड़की अपना अलग रूम में सोएंगी। तो जब ये गई अपने रूम में तो इनको रूम में अपनी वो लड़की नहीं दिखी, ठीक है। तो ये सबसे पूछा, उससे पूछने के बाद फिर मेरे पास आई कि आकाश, तुमने लड़की को देखा, वो नेहा को देखा है, कहाँ है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता, मुझे लगा तुम्हारे साथ होगी, ठीक है सर। हम लोग खाना खाना खाकर आए थे, उसके बाद हमने यही बात पूछा। तो फिर हम लोग ढूंढने लग गए तो फिर हमें आवाज आई तो हमने गेट खोला तो सडन वो बाहर आई तो
आज से ठीक एक साल पहले कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, जो कश्मीर में जाकर खत्म हुई थी। वहीं से यात्रा को ध्यान में रखते हुए सभी लोकसभा में 3 महीने का कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा और अलग अलग रूप में कार्यक्रम चलेगा। और इस कार्यक्रम में सभी संगठनों के साथ मिलकर कांग्रेस के कार्यकर्ता विभिन्न जिलों में कार्यक्रम करेंगे। नेतृत्व में करीब 4000 किलोमीटर की निकाली गई, जो कि कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो पद यात्रा करके राहुल जी चल के गए, उन्होंने पूरे देश भर में जो मोहब्बत, प्यार और लगाव से लोगों को गले लगाकर जो जनता की समस्या को सुना है, उसी प्रकार से, उसी लगाव से पूरे प्रदेश भर में आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो ये पूरे देश में पैगाम देने का काम किया, वही हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष, पूर्वी जोन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारे कनिष्क पांडे जी और पश्चिम जोन के हमारे अध्यक्ष आदरणीय उमवीर यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर चलाया जाएगा, बूथ स्तर पर चलाया जाएगा। जिस प्रकार से अध्यक्ष जी ने बताया कि खेल प्रतियोगिता जिसमें नौजवानों को शारीरिक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ उनके बौद्धिक स्तर का भी विकास खेल कूद करता है, तो उसमें उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही साथ एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे का जो फुल पैकेज इस भारत को कहा जाता है, इंडिया को कहा। उत्तर प्रदेश हुआ कांग्रेस की तरफ से आप सबको सर्वप्रथम आज जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं उसके लिए युवा कांग्रेस के परिवार की तरफ से हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन है। मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस तरफ से हम लोग के साथ में हम लोग के प्रदेश के प्रवक्ता श्री अंशु अवस्थी जी मंच पे मौजूद हैं, प्रेम नारायण जी हम लोग के साथ मंच पे मौजूद हैं, हमारे उत्तर प्रदेश पश्चिम के उपाध्यक्ष गौरांग जी हैं, हमारे लखनऊ के अध्यक्ष सैयद इमरान जी हैं, दीपक जी हैं, हमारे आरटीआई सेल के चेयरमैन पुनीत जी हैं, हमारे प्रदेश के महासचिव विवेक जी हैं, हमारे लखनऊ के जिला अध्यक्ष दीपक जी हैं, यहाँ पे सभी लोग हम लोग मौजूद हैं। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि आज के ठीक एक साल पहले 7 तारीख को राहुल जी ने कन्याकुमारी से एक भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत ही विस्तृत एक यात्रा निकाली थी, जो आप सबके नॉलेज में है। जो यात्रा कन्याकुमारी से चलकर पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने कश्मीर में जाके समाप्त हुई थी, आज उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस ने इस यात्रा को ध्यान रखते हुए आगामी 3 महीनों का एक लखनऊ स्थित एरा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के छात्र आर्यन सिंह की बिल्डिंग की 6वें माले से गिरकर मौत हो गई। बता दें मृतक आर्यन सिंह हरदोई निवासी है, जो कि एरा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। वहीं मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। बता दें मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गए। सरोजनी नगर से विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह के द्वारा मातृशक्ति को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का काम किया गया। वहीं लोगों को निरंतर कार्य के अवसर और सुविधा संसाधन उपलब्ध कराए गए। क्षेत्र में अब तक 30 तारा शक्ति केंद्रों की स्थापना कराई गई है, जिसमें 500 से अधिक सिलाई मशीनें प्रदान की गई, साथ ही 1200 से अधिक महिलाओं को रोजगार स्वरोजगार प्राप्त कराया गया। रायबरेली के नसीराबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें पुलिस टीम ने बैंक में चोरी करने जा रहे 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक तमंचा, कारतूस और चोरी में इस्तेमाल होने वाली जब्बल बरामद की है। चोर इससे पहले भी बैंक में चोरी का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अलार्म बज जाने से वो सफल नहीं हो पाए। फिलहाल पुलिस ने चोरों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। इसके अंतर्गत नसीराबाद थाना क्षेत्र में 3/4 सितंबर की रात को, जब हमारी थाने की फर्स्ट मोबाइल और सेकंड मोबाइल गश्त पे थी, तो छतूर क्षेत्र में यूको बैंक पड़ता है, रात के समय वहाँ नकदजनी हो रही थी, और नकदजनी के दौरान जो अभियुक्त थे वो अंदर आए, जैसे सायरन बजा, हमारी वहाँ सेकंड मोबाइल गश्त पे थी, तत्काल मौके पर पहुँची, और मौके पर जब पहुँची तो जो व्यक्ति भाग रहे थे उनको दौड़ा करके पकड़ा गया, और उनके पास से तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस और नकद जन करने के लिए संभाल वगैरह सब बरामद भी हुए। ये व्यक्ति हैं मनोज कुमार और अरविंद कुमार, जो बीकापुर थाना डी के रहने वाले हैं,
और ये ऐसे साबिर अपराधी हैं और पकड़ने के बाद उनके ऊपर FIR पंजीकृत करके। सीतापुर में कोतवाली देहात क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति को हथियार के साथ धर दबोचा। वहीं इस पूरे मामले में क्षेत्राधिकारी सदर राजू कुमार साहब ने जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर उन्नाव से है, जहां शहर में चहल्लुम का जुलूस निकाला गया और इस जुलूस में लोग हाथ में अलम ताबूत लेकर मातम और सीना जनी के साथ नम आंखों से इमाम हुसैन को याद किया। बता दें कि दोपहर 12 बजे शहर के जेर खिड़की से जुलूस निकलकर मोहल्ले चौधराने स्थित जामा मस्जिद में जाकर संपन्न हुआ। आज करबला में जो 72 शहीद इमाम हुसैन के साथी हुए थे, इमाम हुसैन का पूरा घर कुनबा शहीद कर दिया गया था, तो उन्हीं की याद मनाई जाती है। आज चहलुम का प्रोग्राम होता है और इसमें सारी दुनिया में आज के दिन चहलुम मनाया जाता है और उनको याद किया जाता है, इमाम हुसैन और उनके साथियों की, उनके घर वालों की कुर्बानी को, और जो मैसेज उन्होंने दिया था इंसानियत के लिए, जो कुर्बानियाँ पेश की थी उसी की याद आज मनाई जाती है। आज दो प्रोग्राम होते हैं, एक सुबह जेर खिड़की मोहल्ले से इमदाद साहब के अम्बाड़े से जुलूस निकलता है, वो यहाँ चौधराने की मस्जिद में आता है, और दूसरा यहाँ से मजलिस वसी मंजिल से मजलिस के बाद जुलूस निकलता है, ये मरहूम कासिम हुसैन दैदी साहब की इमाम बारगाह में ख़त्म होता है। खुदा मुसलमानों के रसूलुल्लाह, उनके नवासे हज़रत हुसैन का और उनके नवासों को, उनके भक्त साथियों को, उनके घर के 6 महीने के बच्चे तक भी जदीद के द्वारा शहीद किया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।